हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गगन ब्लॉग्स। आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है D5 और सम ऑफ 9 टर्म 75, और हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड A9। ठीक है, तो हमें S9 गिवन है 75। हमारे पास SN का क्या आइडेंटिटी है? N बाय 2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास एस एन की आइडेंटिटी है। अब एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो एस 9 9 बाय 2 ए हमने फाइंड आउट करना है, एन है 9 माइनस 1 और डी हमें गिवन है 5, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 5। अब एस 9 की वैल्यू हमारे पास है 75, 9 बाय 2 टू ए 9 माइनस 1 8 और इंटू 5 75। अब ये 9 बाय 2 है, ये क्या हो जाएगा 2 बाय 9, 2 ए 8 इंटू 5 40, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल होगा, 3 3 का 9 और 25 3 द 75, तो 25 इंटू 2 50 डिवाइड बाय 3 2 ए प्लस 40, 2 ए 50 बाय 3, ये 40 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 एलसीएम आ गया, 50 40 इंटू 3 120 डिवाइड बाय 3, 50 माइनस 120 माइनस 70 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव 70 डिवाइड बाय 3 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसल, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नेगेटिव 35 बाय 3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, नेगेटिव 35 बाय 3। अब हमने सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नाइन्थ टर्म A9, तो Anth का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने क्या फाइंड आउट करना है A9, तो इसकी क्या आइडेंटिटी होगी, एन की वैल्यू 9 पुट कर दो तो ए प्लस 8D, तो ए हमने फाइंड आउट किया नेगेटिव 35 बाय 3 8 और डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, तो नेगेटिव 35 बाय 3 8 इंटू 5 40। अब 3 एलसीएम आ गया, नेगेटिव 35 40 इंटू 3 120 डिवाइड बाय 3, अब 120 माइनस 35 10 माइनस 5 5 11 माइनस 3 8, तो हमारे पास नाइन्थ टर्म कितनी आ गई 85 बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है, तो चलते हैं सिक्स पार्ट पर। थर्ड का सिक्स पार्ट हमें दिया हुआ है, गिवन फर्स्ट टर्म ए हमें दिया हुआ है 2 और डिफरेंस दिया हुआ है 8 और सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है एन टर्म 90, तो इसमें हमने एक एन फाइंड आउट करना और एक ए एन फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें एस एन गिवन है, एस एन कितना दिया हुआ है 90, और एस एन की आइडेंटिटी है एन बाय 2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो पहले हमारे पास ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एन, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 एन हमने फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, और ये 2 है इधर 90 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 8 एन नेगेटिव 8, 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 90 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया 180, एन 8 एन और 4 माइनस 8 इज माइनस 4 इक्वल टू 180। अब एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 एन स्क्वेयर माइनस 4 एन और 180 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें से हमें 4 कॉमन निकाल दो, तो यहां क्या बचेगा 2n स्क्वायर नेगेटिव n और यहां क्या बचेगा हमारे पास नेगेटिव 45 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया 4 कॉमन निकाल दिया, अब ये 4 है वो उधर डिवाइड जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2n स्क्वायर नेगेटिव n और 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसके टर्म स्प्लिट करनी है,
अब 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 90 आएगा। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए नेगेटिव 90 और एडिशन हमें चाहिए नेगेटिव 1। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 2n² 10 और 9, नेगेटिव 10n और प्लस 2n माइनस 45। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9, तो यहां हो जाएगा n माइनस 5। अब n माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 5 2n प्लस 9। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 9/2। और n कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमने an फाइंड आउट करना है, इट मींस फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास n कितना आया है, 5। अब nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिफ्थ टर्म है तो n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4d। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 8। तो 8 इंटू 4 32, तो 32 प्लस 2 तो हमारे पास कितना आ गया, 34। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 34। एंथ टर्म बोला था इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमारे पास n क्या आया है, 5, तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर ली, 34। तो चलते हैं अब सिक्स्थ पार्ट पे, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 8 और nth टर्म दी हुई है 62 और सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 210। इसमें हमने n फाइंड आउट करना और d फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास sn दिया हुआ है 210, ठीक है। अब हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाय 2 a प्लस nth टर्म, n बाय 2 a प्लस nth टर्म, ठीक है। पहले हमने n फाइंड आउट करना है, तो n बाय 2 a हमें क्या दिया हुआ है, 8, और nth टर्म हमारे पास क्या दी हुई है, 62 इक्वल टू 210। तो 62 प्लस 8 70 और हमारे पास 210, तो n की वैल्यू 210। ये 2 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 70 मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पहले 0 के साथ 0 कैंसिल, 7 3 21, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 × 2 6, तो यानी ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, 6। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, d। अब an हमारे पास क्या दिया हुआ है, 62, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 62। a हमारे पास क्या गिवन है, 8 और n हमने फाइंड आउट किया 6, 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 62, तो 6 माइनस 1 इज 5, डी इक्वल टू 62, और ये 8 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 62 माइनस 8 इज 54, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 54/5। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।